कॉक्स डिस्लरी नौगांव में बड़ा हादसा हो गया। हादसे में दो मजदूरों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है और तीन मजदूर घायल हुए हैं। घटना के असल कारणों का पता नहीं चल पाया है। खबर छतरपुर के नौगांव से है, जहां कॉक्स डिस्लरी में हादसा हुआ जिसमें संदिग्ध परिस्थितियों में दो मजदूरों की मौत हो गई, साथ ही तीन मजदूर घायल हो गए हैं। सभी घायलों को गंभीर स्थिति में नौगांव सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। प्रशासन घटना की जांच में जुटा हुआ है। इस हादसे के बाद फैक्ट्री के दरवाजे बंद कर लिए गए और अधिकारियों को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। अभी मुझे एक घंटे पहले फ़ोन आया था डिस्लरी से कि कुछ यहाँ पे हादसा हुआ है। अब तत्काल यहाँ पे मैं जैसे ही फ़ोन लगा मुझे पता चला कि कई पांच लोग हैं, पांच लोगों की तबीयत ख़राब है और दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। वो लेबर रूम में अपना जो अलग है डिस्लरी कैंपस के अंदर ही है लेबर रूम, वहाँ पे वो आराम कर रहे थे, वो हमेशा रहते हैं। तो पता चला कि दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं और कुछ संदेहास्पद ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम होगी। तो हमको फ़ोन आया, फिर मैं आया तो यहाँ तक पता चला है कि सभी को हॉस्पिटल ले गए हैं, जिसमें से अभी जो है कुछ गंभीर है और शायद किसी की डेथ हुई है। अभी एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता इनका कारण, हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हाँ, लेकिन ये घटना तो आज हुई। सब साथ में वहाँ सो रहे थे जो वहाँ के लेबर हैं, जो वहाँ काम कर रहे थे, और इसमें अन्य जो साक्ष्य आएंगे, एविडेंस आएंगे, उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।